हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। एक तो आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का कि हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा। तो जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। पर बेटा, वो हम छोटे क्लासेस में बच्चों को समझाने के लिए हमने ये टर्म्स यूज की ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए, बट अब आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो हमें वो टर्म याद नहीं करनी कि फोर्स इज अ पुश और पुल। सेकेंड चीज है टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। तो बल के दो प्रकार होते हैं, वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकेंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल, जो हम आगे चैप्टर जब करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। तो इस जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, गति का प्रथम नियम है, इसमें ये हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज में जो गति होती है वो किस वजह से होती है, उसमें मोशन जो है वो क्यों होती है, ठीक है? उसके बाद हमारी एक टर्म आएगी मास, द्रव्यमान, और फिर एक टर्म आएगी इनर्शिया, जड़त्व। ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं कि गति का प्रथम नियम क्या होता है, इसी से दोनों टर्म्स जुड़ी हुई हैं। फिर आपके नेक्स्ट टर्म आते हैं मोमेंटम। एक्चुअल में मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक टर्म है जो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है? उसके बाद है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे जब गाड़ी रुकी हुई है और जब एकदम ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है, तो अगर हम गाड़ी में खड़े होते हैं या बैठे हुए होते हैं तो हम एकदम क्या है, जब गाड़ी चलती है तो हम एकदम पीछे की तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम गति के दूसरे नियम में पढ़ेंगे। फिर आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम। इस नियम में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम स्विमिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, हम चलते हैं तो किस तरह से चलते हैं, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो कैसे जाता है, ये कुछ चीजें हम गति के तृतीय नियम में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट जो हमारी टर्म है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण, जो हम इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर जो है बहुत ही ईजी है, क्योंकि इस चैप्टर में रटने का कुछ भी नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और वो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ये टर्म्स आपको ऑब्वियसली लर्न हो जाएंगी, आपको रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो कल हम अपना जो है नेक्स्ट वीडियो में बल के बारे में पढ़ेंगे और बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।